कोई भी हो, शरीर साथ दे या ना दे, लेकिन अगर आप में जज्बा है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात सोलन की वह महिलाएं साबित कर रही हैं जो 50 वर्ष की उम्र को लांघ चुकी हैं और जो कुछ समय पहले अपने घुटने के दर्द से परेशान थी, लेकिन उनके कुछ करने के जज्बे ने उनमें इतनी शक्ति भर दी कि आज वह नौजवानों को भी मात दे रही हैं। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद अब देहरादून में आयोजित होने वाली मास्टर गेम्स में जीत हासिल करने की ताल ठोक रही हैं। 24 फरवरी से देहरादून में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में जा रही महिलाओं ने बताया कि मास्टर गेम्स में उनकी टीम हिमाचल की पहली टीम है जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं अपनी उम्र को देखते हुए हॉकी को उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन अब 2 माह के कठिन अभ्यास के कारण अपने आप को अब पूर्ण रूप से न केवल फिट हैं, बल्कि वे अब अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। उन्होंने कहा कि वे बेहद खुश और उत्साहित हैं कि वे देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वे वहां जाकर हिमाचल का नाम ऊंचा करके आएंगी। और अभी हमारी पूरी टीम की सिलेक्शन नेशनल के लिए हुई है, जो कि 23 फरवरी से 3 मार्च तक देहरादून में हो रहे हैं। वहाँ से जिसकी सिलेक्शन होंगी वो इंटरनेशनल खेलने के लिए इटली जाएंगे। और मास्टर स्पोर्ट्स ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको दोबारा से आपके बचपन में जाने का मौका मिलेगा। मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी 50 प्लस की ये हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में पहली टीम है जो बनी है। और आगे हमें होप है कि पूरे इंडिया से अगली बार या हिमाचल से खेलने आएंगी, लेकिन हमें पहली टीम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम आशा करते हैं कि हम देहरादून से ट्रॉफी जीत के लेके आएँ और आगे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो। जो मास्टर्स गेम के को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। 40 साल के बाद हाथ में हॉकी पकड़ी है, कॉलेज टाइम में खेलते थे हम, आज बहुत उत्साहित हूँ। हालांकि हमें प्रॉब्लम भी थी, कोई घुटने में प्रॉब्लम थी, मेरे खुद को थी, लेकिन यहाँ ग्राउंड में आकर ऐसा लगता है कि सारी बीमारियाँ ही दूर हो जाती हैं। मैं तो सभी से प्रार्थना करूँगी कि जो भी खेल पहले अपने खेलते थे उन्होंने छोड़ दिया है, हमने भी छोड़ दिया था, तो वो आएँ दोबारा ग्राउंड में खेलें और पता चलेगा कि हमारी आधी बीमारियाँ सारी दूर हो गई हैं।